अच्छा मैम, ये ना बिलीव्स होते हैं स्पेशली घर पे कि लेफ्ट करवट होगा तो लड़का, राइट करवट होएगी तो लड़की, या यू नो अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे ग्लो कम रहता है तो लड़का, अगर फेस ग्लोइंग रहता है तो लड़की, क्या कहना है आपका इसके बारे में? आई थिंक इसका आंसर तो भगवान ही दे सकते हैं, क्योंकि ये तो मैन मेड बनाई हुई चीजें हैं। ये तो मतलब एक्चुअली मुझे लगता है कि पहले के टाइम में ना वो इंट्यूशन पावर यूज करते थे, तुक्के यूज करते थे, ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड नॉट प्रैक्टिस आल्सो। एंड इसको मैं एक चीज में बोलूंगी इन अ सीरियस नोट, अभी मॉडर्न साइंस ने प्रूव किया है कि यू शुड नॉट टॉक टू द बेबी इनसाइड द वूम या पूरे 9 months में आप वो वाइब्रेशंस के साथ या वो फीलिंग के साथ जेंडर बायस होके नहीं करेंगे। बिकॉज अगर मेल सोल है या फीमेल सोल है तो वो अलग, उसकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है वो उसी तरीके से हो जाती है। तो होमोसेक्सुअलिटी की बात करें, ये देखो बहुत डीप एक सोचने वाली बातें हैं। इसका कोई, आप ये बोलोगे कि मैम इनके प्रूफ्स क्या हैं, तो अभी शायद इनके ऊपर स्टडीज हो रही हैं, बट ये हमारी सारे उपनिषदों में लिखा गया है, हमारे ग्रंथों में लिखा गया, ठीक है ना। वाइब्रेशंस, विजुलाइजेशन जैसे बात करते हैं, इसलिए वी शुड नेवर टॉक टू द बेबी लाइक मेल और फीमेल, एंड वी शुड नॉट, मतलब इट शुड बी लाइक बेबी।